अरे शर्मा जी, बधाई हो, आपकी सरकारी जॉब लग चुकी है सुना है। अब तो रिटायरमेंट के बाद भी खूब पैसा आएगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? धन्यवाद धन्यवाद। अरे हम क्या बताएं, हमारी तो प्राइवेट जॉब है, हमें तो कुछ नहीं मिलना, ना हाथ पे कुछ आता है, ना ही रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलना है। अरे क्या आपने NPS खाते के बारे में नहीं सुना कि उस खाते में आप जैसे लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है? NPS में नेशनल पेंशन सिस्टम जिसका नाम है, इसमें ना ही हम निवेश कर सकते हैं बल्कि आप जैसे लोग भी निवेश कर सकते हैं। क्या जरा मुझे बताइए इसके बारे में, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। क्या होता है ना NPS, क्या होता है ये नेशनल पेंशन सिस्टम जिसमें हम लोग भी निवेश कर सकते हैं? क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि हम प्राइवेट में हैं और हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा भी बचता है, तो उसे हम कहाँ निवेश करते हैं? तो सुनो, NPS के सबसे पहली बात, NPS होता क्या है? NPS में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई भी NRI या कोई भी इंडिविजुअल हो, वो इसमें NPS अकाउंट खोल सकता है। दूसरी बात, इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर से सरकारी सेक्टर में जा रहा हो या सरकारी से प्राइवेट में, उसका इसमें आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें एक प्रैन नंबर जनरेट होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो आपके पास रहना ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आप इसमें निवेश कर सकते हो। कम से कम इसमें साल में 6,000 रुपये निवेश किया जा सकता है। इसमें दो टाइप के अकाउंट होते हैं, Tier 1 अकाउंट और Tier 2 अकाउंट। जैसा मेरे केस में, मेरा सरकारी विभाग है, तो इसमें हमें Tier 1 में बिल्कुल कंपलसरी होता है, 100% इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है, जिसमें हमारा सैलरी में से 10% DA प्लस बेसिक कट जाता है। Tier 1 के अंतर्गत आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। 60 साल के बाद जब आपकी ये सारी रकम जमा हो जाएगी, तो आप इसमें से 60% निकाल सकते हो, जिसमें 20% टैक्सेबल होगी और 40% आपका एनुइटी पे खर्च होगा, जो आपको फिक्स या वेरिएबल टाइप से मिल जाएगा, जो एक पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर 20% जो टैक्सेबल है उसको भी आप बचाना चाहते हो, तो वो भी इन्वेस्ट आप वेरिएबल में कर सकते हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, मैं तो आज ही इसको चलाता हूँ और इसमें अपनी सैलरी से बचत करता हूँ। और साथ ही एक बात और है, Tier 2 के अंतर्गत इसमें आप 50,000 और भी निवेश कर सकते हो और ATC में इसमें इनकम टैक्स में छूट भी है। और सबसे अच्छी बात जो गवर्नमेंट ने निकाली है, अभी आप लाइफ में इसमें 25% 3 बार निकाल सकते हो, जो आपकी कभी भी कोई ज़रूरत हो उसे पूरा करता है। थैंक यू शर्मा जी ये बताने के लिए, मैं इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा।